ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो एग्जाम है, जो BSSC में हो गया, BIHR SSC हो गया, आपको SSC हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे आप ध्यान से देखें। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक बैग में 25, 10, 5 पैसे के सिक्कों के क्रम से 1:2:3 के अनुपात में, यानी इनका इनमें कुल 30 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो मान के चलिए 25 पैसा, ये 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, तो इसका रेशियो आपका कितना दिया हुआ? रेशियो टाइम तो वो 1:2:3 देता है, एक्स ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3x। ये क्या हो गया आपका? सिक्कों की संख्या। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए मूल्य कह रहा है, तो मूल्य रुपया में दिया हुआ है, सबसे पहले सबको रुपया में चेंज करेंगे, तो 25 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। इसको करेंगे रुपया में चेंज तो 1/10। इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 1/20। ये कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में कितना होता है? 100 पैसा, 100 पैसा, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग 1/4, 1/10, 1/20। ठीक, अब ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/20। अब सभी को ऐड करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? रुपया आ जाएगा, टोटल इतना रुपया आ जाएगा, तो 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 20, हो जाएगा 5x+4x+ 3x=30। यहाँ से आपका x=हो जाएगा 20 × 30, अच्छा 9 × 9 = 12, जी में 12। ये आपका x=, फिर यहाँ कितना जाएगा आपका? 50। ठीक, 50 आ जाएगा, 1:50 आया। तो अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसा का सिक्का की संख्या यहाँ कितना है? 3x। तो 5 पैसा के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x = एक्स का वैल्यू 50, 3 × 50 = 150। आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा टाइप देखिएगा, उसमें तो मूल्य दिया हुआ था, इसमें कुल सिक्कों की संख्या दे दिया गया, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए थैली में 1 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, कुल 700 सिक्के हैं, तो इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो सबसे मूल्यों का अनुपात दिया होता है, मूल्यों का अनुपात मान लीजिए 2x हो जाएगा, यहाँ देखिए 2:3:5 दिया हुआ है रेशियो में, 3x, आइए 5x। अब देखिएगा 1 रुपया का इसमें एक सिक्का, इसमें कितना सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा 50 पैसा के, तो 2 सिक्का। कितना सिक्का इसमें मिलाएंगे 25 पैसा, कितना सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, तो 4 सिक्का। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 20x। ये दोनों का जो ऐड हो जाएगा वो टोटल आपका सिक्का का संख्या हो जाएगा, सिक्का का संख्या हो जाएगा। तो यहाँ कितना है? 28x = 700, इसलिए यहाँ से x = कितना आ जाएगा?
7/28 इसको करेंगे तो 25। तो क्या पूछ रहा है यहाँ, 1 रुपया के सिक्का की संख्या, तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या यहाँ क्या हो जाएगा 2x। देखिए 2x इक्वल टू 2 × x का वैल्यू यहाँ देखिए 50 है, इंटू 25 इक्वल टू 50, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये देखिए आपका दिया हुआ है 50। थैंक यू फ्रेंड्स।